नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। भारत में कोरोना की मार से लोग कराह रहे और बुधवार को कोरोना ने भारत में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 4,12,784 नए मामले सामने आए, जो लास्ट पीक से 10,000 अधिक है। इससे पहले 30 अप्रैल को देश में कोरोना के 4,02,351 नए मामले सामने आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना भारत में क्या कर रहा है। इसके साथ ही साथ पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के हमले से 3,980 लोगों की जान चली गई। कोरोना की दूसरी लहर के अटैक में ज्यादातर लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे। बुधवार को देश में कोरोना के 4,12,784 नए मामले सामने आए, जो अब तक पूरी दुनिया में एक दिन में सर्वाधिक है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां कोरोना के नए मामले भले ही कम हो लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से रिकॉर्ड 920 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 57,640 नए मामलों की पुष्टि हुई। उसी कड़ी में दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां पर पहली बार कोरोना संक्रमण के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बेंगलुरु में ही 23,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में बीते 24 घंटों में कोरोना के 50,112 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा इस दौरान 26,841 मरीज कोरोना से ठीक हुए, जबकि 346 लोगों की कोरोना से मौत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है कोरोना का और क्या कर रहा है कोरोना। इसके साथ ही साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना का कहर जारी है और यहां पर भी लोगों की धड़ाधड़ मौत हो रही। इसीलिए आप सावधान रहें और सजग रहें। अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना जाएं और घर पर ही रहें, नहीं तो आप भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं।